यार चूचे, तू हमारी तरह भागा क्यों नहीं? पता नहीं भाई, भागने की कोशिश की पर भागा नहीं गया। ओए चूचे संभल के। भाई ये क्या हो रहा है आज तेरे साथ? पता नहीं भाई, आज सुबह सपना भी बड़ा डेंजर देख के उठा था, तब से सब उल्टा हो रहा है। क्या देखा सपने में? उई उई उई। मैं एक सेब खाता गोरिल्ला हूँ और पेड़ समझ के मैं मार्स वाले रॉकेट पे चढ़ गया, और कोई कंट्रोल रूम में बटन दबा देता है और रॉकेट के साथ साथ मैं भी लॉन्च हो जाता हूँ। फिर मैं धड़ाम से मार्स पे गिरता हूँ, मेरी बॉडी एकदम हैवी हो जाती है और मेरा सेब भी, मैं सेब खा ही नहीं पाता हूँ। रुक बिठाने दे, तू गोरिल्ला था मतलब जानवर जैसा मासूम, अचानक तेरी लाइफ में मार्स आ गया। मार्स मतलब मंगल, और मंगल की वजह से तेरा सेब भारी हो गया। मतलब चूचे आज तेरा मंगल भारी है। ओए मगर अपना चूचा तो सब पे भारी है। ओए मैं हेल्दी हूँ, भारी नहीं, पापा बोलते हैं। हनी भाई, इस मंगल को हल्का करने का जुगाड़ बताओ ना, क्यूट सा चूचा एक और सेब खोना नहीं चाहता। क्यों चूचे, कैसी लगी मेरी किक? ये भी कोई किक थी अन्नी भाई? अरे असली किक तो डायनासोर ने मेरे सपने में मारी थी। क्या बात कर रहा है चूचे, तेरे सपने में भी डायनासोर आया था? तो चल किक मार के स्टार्ट कर तेरा सपना। भाई मैंने देखा, ओए 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 ओए। एक डायनासोर ना तेरी फुटबॉल बना के खेल रहा था और तू जोर जोर से चिल्ला रहा था, ओए चूचा बचा ले। तभी मैं यानी चूचा द ग्रेट आता हूँ और डायनासोर को जीभ चुरा देता हूँ। वो गुस्से में आके अपना पैर ना जमीन पे मारता है और जमीन फट के धुआं उछलता है और हम धुएं का फायदा उठा के वहाँ से गायब हो जाते हैं। ओए चूचे, तेरे सपने में हमेशा मेरी फुटबॉल क्यों बनती है? ओ भाई मैंने थोड़ी ना बनाई है, वो तो डायनासोर ने बनाई थी। अच्छा रुक, अभी सपना बिठाने दे। फुटबॉल होती है गोल, गोल होती है धरती, धरती गई फट, आ गई मुसीबत, और मुसीबत है डायनासोर जैसी। चूचे यानी प्रलय, प्रलय आने वाला है। प्रलय? भाई ये कोई नई टीचर है क्या? ओए चूचे, प्रलय मतलब धरती का दी एंड, जैसे नीतू ने इसने बताया था, प्रलय आता है तो सब खत्म हो जाता है। A प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। ओ भाई फॉर्मूले घुसे खोपड़ी में। उत्ती, मैं सोते सोते तो भूल ही गया कि तू पढ़ रहा है। ओ चूचे उठ, तेरी खोपड़ी में कुछ घुसा। लाली मेरी खोपड़ी में एक नया सपना घुसा। ओए चूचे तू बता भाई को अपना सपना। भाई तू है ना आश्रम में पढ़ाई कर रहा है, अचानक से वहाँ कुछ राक्षस लैंड करते हैं जो एग्जाम के पेपर के बने हुए हैं। सारे पेपर राक्षस तुझे पेपर में पैक करके मम्मी बना लेते हैं और तू चिल्लाते हैं ओए चूचे बचा ले। तेरा भाई यानी चूचा द डेयरडेविल तुम्हारी एंट्री करता है और एक एक करके सारे पेपर राक्षसों को फाड़ देता है और तुझे बचा लेता है। चल बिठाने दे। आश्रम माने की गुरुकुल मतलब स्कूल, पेपर के राक्षस मतलब एग्जाम पेपर, तू सबको फाड़ देता है माने 100% रिजल्ट। यार चूचे बैठ गया सपना, स्कूल की एग्जाम में हम 100 में से 100 नंबर से पास हो जाएंगे। 100 में 100? भाई अब कोई टेंशन नहीं है, चुस्की सर भी हमें फेल नहीं कर सकते। चूचा लेट हो गया, मतलब सपना लेकर आएगा। दोनों का डराया, बड़ा मजा आया। ओ चूचे हमें लगा ट्रेन आ गई। यार ट्रेन थोड़ी आ सकती है रोड पे,
क्यों नहीं भाई, मैंने अपने सपने में देखा। ओए 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 ओए, तुम दोनों साइकिल पे जा रहे थे हवाई रोड पे, पूरी दिल्ली की ट्रैफिक हवाई सड़कों पे उड़ रही थी, शू शू शू, तभी पीछे से बड़ी जंबो जेट ट्रेन आ गई। तुमने छलांग मारी, पर इधर से गाड़ी आ गई, शू उधर कूदा तो ट्रक आ गई, फिर बस पाँव पाँव, फिर ऑटो, तुम मिस कंफ्यूज होके चलाए, ओए चूचे बचा ले। तभी मैं आता हूँ और भोपू बजा के बोलता हूँ स्टॉप, मेरी बात सुनते ही ट्रैफिक रुक जाती है और तुम निकल लेते हो। भाई तू रोड तो ठीक से क्रॉस नहीं कर सकता, ट्रैफिक कंट्रोल करेगा। रुक, बिठाने दे, बिजी ट्रैफिक मतलब बिजी दुनिया, पर तूने जब बोला सब लोगों ने सुना और ट्रैफिक रुक गई। ओ यार तुझे बैठ गया सपना, आज हम बोलेंगे और दुनिया सुनेगी। उई उई उई, मतलब चूचे की बात वर्ल्ड फेमस हो जाएगी दिल्ली में। भाई हन्नी ये पानी कहाँ चला गया यार, इसको बुला के लाए क्या? ओ यार चूचे, जब बारिश होती है तो नदियाँ भरती है और पानी आता है, इस साल अब तक बारिश ही नहीं हो रही। अच्छा, पर भाई मेरे सपने में तो कल पानी पानी था। उए उए उए। मैंने देखा हन्नी और मैं वाटर पार्क में मस्ती कर रहे हैं, फिर मुझे भूख लगती है और मैं फूड स्टॉल से सैंडविच खरीदता हूँ। जैसे मैं सैंडविच मुंह में डालता हूँ तो वाटर फाउंटेन बंद हो जाता है, फिर जब मैं सैंडविच मुंह से निकालता हूँ तो वाटर फाउंटेन में फिर से पानी आ जाता है और ये रिपीट होता रहता है। रुक, बिठाने दे, वाटर फाउंटेन मतलब पानी का फुवारा, चूचा जब खाना बंद करता है तो पानी का फुवारा छूटता है, और बारिश मतलब आसमान से पानी के फुवारे छूटना, इसका मतलब अगर चूचा खाना नहीं खाएगा तो बारिश आएगी। उए उए, बारिश आएगी। सुरेश भाई, ओए चूचे नाम मत लेना उस मनुष्य का, हाजिर हो जाएगा, तेरी चूचा वाणी बड़ी डेंजर वाणी होती है। चूचा वाणी से याद आया, झाड़ में झपकी लेके सपने की वाणी मिली चूचे। हाँ मिली ना भाई। उई 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 उई। भाई तुम ना चूहे बने हुए थे और डरते डरते जंगल में जा रहे थे, तभी वहाँ पर एक डिस्को नाग आता है और तुम दोनों को अपनी पूंछ में बांध देता है और तुम दोनों चीखते हो ओए चूचे बचा ले। अभी मैं यानी चूहों का बेस्ट फ्रेंड आता हूँ, डीजे बीट के साथ बीन बजाता हूँ और सांप को डांस में बिजी कर देता हूँ, पूंछ में बंधे हुए तुम दोनों को खिसकाता हूँ और सांप को सीढ़ी से नीचे गिरा देता हूँ। चल बिठाने दे, बंधे हुए चूहे, फिर तू आता है और उन्हें बचाता है, और बंधे हुए को बचाने वाला होता है बंधु, मतलब साफ है चूचे, आज तू बनेगा चूहों का बंधु। ओए हन्नी भाई, तू ऐसे स्माइल क्यों कर रहा है? ओ लाली भाई, जब भी बिजली कड़कती है ना तो ऐसा लगता है कि कोई फोटो खींच रहा है फ्लैश मार के, स्वैग वाली स्माइल ऑटोमेटिक ही निकल जाती है। कर दी ना चूचे वाली बात। ओ डैडी जी, बिजली भूत। उई उई उई। उई उई उई, भूत नहीं, तुम्हारा प्यारा सा चूचा हूँ भाई। बारिश से बचने के लिए ना आज मैंने प्लास्टिक कंबल का जुगाड़ लगाया। ओए तेरे जुगाड़ की वजह से लाली की निक्कर में भी बारिश हो गई। बारिश से याद आया, तेरे भाई के सपने में भी बारिश और बिजली थे। हम तीनों बादलों में स्विमिंग कर रहे थे, तभी एक काला केकड़ा अटैक करता है। जब भी वो अपने दो पंजे रगड़ता है तो उनमें से बिजली झटाक से निकलती है। काले केकड़े की शॉक से लाली की निकर उड़ती है काली और हन्नी की निकर ढीली। तभी चूचा द ग्रेट काले केकड़े के सामने डाइव मारता है, उसकी बिजली मुझे गुदगुदी करती है, मैं उसके दोनों पंजे पकड़ता हूँ और जोड़ देता हूँ और वो शॉर्ट सर्किट होके उड़ जाता है और उसकी सारी बिजली हमारे अंदर आ जाती है। कॉकरोच देख के निक्कर पीली हो जाती है तेरी, केकड़े से लड़ेगा ने? भाई सपना तो सपना होता है, चुप रासम। रुक बिठाने दे, पहले केकड़े की बिजली से गुदगुदी और फिर हमने उसकी बिजली चूस ली। ओए बैठ गया यार सपना,
हम बिजली बालक बनेंगे आज, बिजली बालक। उए उए उए। आज संडे है, आज पानी में नहाने का डे है। ये! उए, डैडी जी के चपेट, बहुत ठंडा पानी है भाई। बाढ़ की कसम, कुल्फी जम गई। ठंडे लग रही है भाई, मैं वापस जा रहा हूँ। ओए चूचे, मैं पानी में कुदाकर खुद भाग गया। ओए चूचे, तुम दोनों को देख के ना कल रात का सपना याद आया। भाई मैंने देखा कि कल ना तुम दोनों बाल्टी में स्विमिंग कर रहे थे, तभी एक मछली का जाल तुम दोनों को पकड़ लेता है और जहाज पे ले जाता है। वहाँ एक आँख, एक हाथ और एक पैर वाला समुद्री लुटेरा तुम दोनों को कब्जे में ले लेता है और नुकीले हाथ चुभाता है और तुम दोनों चिल्लाते हो ओए चूचे बचा ले। फिर वहाँ मैं यानी जोशीला जानबाज चूचा जहाजी आता हूँ और रस्सी से झूलते हुए उन लुटेरों को एक्स मार्क वाली संदूक से बम्प मारता हूँ और पानी की बाल्टी में गिरा देता हूँ और तुमको जाल से आजाद कर देता हूँ। एक आँख वाला लुटेरा होता है समुद्री पायरेट जिसने हमें पकड़ा, और एक्स वाली संदूक मतलब खजाना, वही मतलब साफ है भाई, आज हमें पायरेट अपने जाल में फंसाएगा और खजाना हमें बचाएगा। ओए चूचे, तू सो रहा है? ओए ओए भाई, मैंने सपना देखा, तुम दोनों जा रहे थे कबाड़ के जंगल में, तुम सडनली एक गड्ढे में गिर जाते हो, वहाँ एक लोटा दिखता है पर उसमें पानी ही नहीं है, तुम मदद के लिए चीख मारते हो और फिर लोटे में से मैं आता हूँ, जादुई चूचा। तुम मुझसे विश मांगते हो और मैं जादू से तुम्हारी विश पूरी कर देता हूँ। फिर से जादू, अब पता नहीं सपने का जादू क्या क्या करवाएगा। रुक, बिठाने दे। लोटा और लोटे में से तू निकलता है और हमारी विश पूरी करता है। जादू से विश पूरी करने वाले होते हैं जिन, मतलब लोटे से निकलेगा जादुई जिन जो सारी विशेष पूरी करेगा। जादुई जिन। सपने वाला लोटा। आपको बता दूं कि लोटा जिन हॉटलाइन में संपर्क करने के लिए आपको हमारी तरफ से इनाम में मिलती है 3 विशेष। भाई चूचे, तेरा सपना पूरा हो गया। हनी भाई। ओए चूचे, क्या हुआ, इतना हैप्पी क्यों है? हैप्पी नहीं हनी, चैप्पी हूँ मैं, चैप्पी चूचा। ओए लेकिन क्यों, फिर सपने में खजाना मिला क्या? लाली सपने में नहीं, ये देख बटुआ मिला आज मुझे सच्ची में। ओए क्या बात है चूचे, चल बिल्लू अंकल की दुकान पे छोले भटूरे खाएंगे। ओए भाई, उसके बाद गर्मा गर्म जलेबी और गुलाब जामुन भी खाएंगे। और फिर ठंडा ठंडा बंटा सोडा, आज तो मजा ही आ जाना है चूचे। हाँ डैडी जी खुश होंगे, पहली बार पैसे देके खाओगे ना। पैसे? कैसे पैसे? अरे बटुए में पैसे, तुमने तो कहा था कि बटुआ मिला है। ओ भाई बटुआ मिला है स्वैग वाला, पैसे थोड़ी ना मिले, ये देख बटुआ खा लिए। ओ चूचे। सॉरी भाई, लेकिन मेरे सपने में पैसे ही पैसे थे। वे?
पैसे ही पैसे। और जल्दी बता, जल्दी बता। ओए भाई, मैंने देखा कि हम ना पेड़ पे बैठे छोले भटूरे खा रहे होते हैं। इतने में पेड़ पे बैठा कौआ हम पे अटैक करता है और हमारे टिफिन नदी में गिर जाते हैं। तू जोर जोर से रोने लगता है वाँ, वाँ। क्योंकि और छोले भटूरे के लिए तेरे पास पैसे नहीं होते। फिर मैं जादू से हाथ घुमाता हूँ और सारे पत्ते सोने के बन जाते हैं। सपना बिठाने दे, खाने के लिए पैसे नहीं दे, फिर पेड़ के पत्ते हो गए सोने के। ओए चूचे बैठ जाओ सपना, आज पेड़ पे पत्ते नहीं पैसे उगने वाले हैं, मतलब हमें मिलेगा मनी प्लांट। ओए चूचे तू बता भाई, कोई अपना आज का सपना? हाँ भाई, आज ना मेरे सपने में देखा कि हम दोनों यानी चूचा द ग्रेट और मेरा वफादार असिस्टेंट यानी कि तू अनी जंगल में भाग रहे हैं। और अचानक से आसमान फटता है और ये बड़े बड़े पत्थरों की बारिश होने लगती है। एक दो पत्थर तेरी खोपी पे भी गिरते हैं। फिर मैं यानी चूचा द ग्रेट टार्जन की तरह रस्सी पे झूलते हुए आता हूँ और अपने पावरफुल मुक्कों से उन पत्थर को चूरमा बना देता हूँ और तुझे बचा लेता हूँ मेरे भाई। और दोनों भाई सीधा एक अंधेरी सी गुफा में घिसते धड़ाम से। अंधेरी गुफा में तेज लाइट हमारी आंखें चकाचू चू कर देती है, डिस्को वाली टिंग टिंग टिंग। और जैसे ही हमारी आंखें खुलती है भाई, सामने दिखता है। फिर क्या चूचे? बस तभी मेरे सपने का दी एंड कर दिया तूने। ओए चूचे! चल सपना बिठाने दे। जंगल में भागना मतलब रनिंग, मतलब रेस, पत्थर की बारिश और गहरी खाई मतलब ऑब्स्टिकल्स, और अंधेरी गुफा में टिंग 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 वाली लाइट्स भाई। हाँ वही, मतलब मतलब शाइनी डिस्को शूज भाई। बैठ गया सपना। हाँ? ओ जफर भाई, क्या बात है, कैसा लग रहा है नए जूतों में? टॉप की फीलिंग आती है, टॉप की। और आए भी क्यों ना, प्रिंसिपल सर ने सिर्फ टॉपर्स को गिफ्ट किए हैं। ये जूते तो दिमाग में बैठ गए हैं भाई, ये तो चाहिए ही चाहिए स्वैग के लिए। ये पहन के ना मैं ना नित्तू मिस की क्लास में जाऊंगा। मैंने तो इसे पहन के ऐसे लश्कारे मारने हैं कि रात को बाथरूम में लाइट ऑन करने की जरूरत ही ना पड़नी। ओए मैं एग्जाम में पास हो गया तो देख डैडी जी ने गिफ्ट दिया, देख देख। ओए 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 भाई, ये क्या गिफ्ट मिला तुझे? चिड़ी छक्के का रैकेट। ओए चूचे, इसे बैडमिंटन कहते हैं, बैडमिंटन। ओ भाई, कहाँ से बैट दिख रहे है तुझे? देख एकदम नया है, गुडी गुड है, गुडमिंटन है ये। यार तू चूचा गिरी मत कर, ये गुडमिंटन नहीं बैडमिंटन है। नहीं मान रहा ना तू? रुक मैं तुझे डेमो देता हूँ। ओए भाई, हम इससे खुजली कर सकते हैं। ओए चूचे रैकेट देना। नली से बॉल निकाल सकते हैं। ओए मेरी बॉल। इससे हम पूरियां तल सकते हैं, समोसे तल सकते हैं, गर्मी में हवा भी दे सकते हैं। और तो और भाई, इससे तो हम मच्छर भी मार सकते हैं, डेंगू वाले। ये देख, तोड़ दिया, डंडे से की चमेल बनेगी। ओए भाई, तू ही कब से बैडमिंटन बैडमिंटन किए जा रहा था, ले अब बन गया ये बैडमिंटन। खुश। ओए चूचे, आज से तेरी मेरी कट्टी, मैं जा रहा हूँ। ओए ठीक है लाली, अब आज का सपना है ना, मैंने सिर्फ हन्नी को ही बताना है। चल चल कट्टी ओवर चूचे। सपने में हन्नी की टाइटा फिश कैसे हुई वो सुनना है। ओए लाली चुप होए। चूचे तू बता सपना क्या था? ओए ओए भाई, तुम खुले आसमान में साइकिल चला रहे थे, अचानक ना वहाँ एक एलियन की शिप आती है और अंदर से मगरमच्छ की पूंछ वाले एलियंस बाहर निकलते हैं और वो अपनी पूंछ से तुम्हारे साथ हॉकी खेलने लगते हैं। फिर मैं यानी कि चूचा द नंबर वन चैंपियन वहाँ आता हूँ और उन एलियंस को डिशम डिशम करके उन सबको एक साथ पूंछ से पकड़कर गोल गोल घुमाकर उनकी शिप में डालता हूँ और फिर सेलिब्रेट करता हूँ। चल बिठाने दे सपना, खुला आसमान माने ओपन स्पेस, जैसे स्कूल का ग्राउंड, और एलियंस खेल रहे थे हॉकी, हॉकी माने स्पोर्ट,
और तू सेलिब्रेट कर रहा था जैसे जीतने के बाद करते हैं। ओए चूचे बैठ जाओ सपना, आज स्पोर्ट्स डे में हम लोग चैंपियन का चैंपियन बनने वाले हैं। ओए ओए भाई चूचा बनेगा चैंपियनों का चैंपियन। हनी भाई चल रेस लगा, आज तो पक्का मैं ही जीतूंगा। क्या बात है लाली, जोश बड़ा हाई है आज, चल हो जाए एक रेस। ओए चूचे आ दम में तो मुझे हरा के बता। ओ भाई लाली मुझे सोना है, ये फालतू की मेहनत मुझे नहीं कही तू की मेहनत। ओए चूचे ये रनिंग है सेहत के लिए अच्छा है। लाली भागने के बाद क्या करेगा? खाऊंगा और होमवर्क करूंगा। उसके बाद? उसके बाद क्या? उसके बाद सोऊंगा। देखा लाली, अगर लास्ट में सोना ही है तो अभी से सो जाओ, फालतू की मेहनत करने की क्या जरूरत है। ओए चूचे ओए 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 हनी भाई सोने से याद आया, आज मुझे एक सपना आया था। क्या बात है चूचे, चल बता दे सपना फटाफट। पर हमारी रेस। ओए चूचे एक मिनट रुक, चल लाली 1 2 3 चल भाई चूचे बता आज का चूपर सपना। भाई बड़ा अजीब सा सपना था। मैंने देखा कि तूने एक मकड़ी के जाल में उल्टा लटक के फंसा हुआ है और वहाँ अचानक ढेर सारी मकड़ियों की आर्मी आ जाती है, जोर से मुझे आवाज देता है ओए चूचे। फिर आगे क्या हुआ? उई हनी भाई वही तो प्रॉब्लम है, सपना पूरा होने से पहले ही मम्मी ने मुझे बेड पे ही नहला दिया। ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई भाई, तेरा सपना तो पूरा करना पड़ेगा और सपना पूरा करने के लिए तुझे सोना पड़ेगा। ओए, ओए, ये गलत बात है यार। लाली दी जान क्या गलत बात, बधाई हो तू रेस जीत गया। ओए धोखेबाजों। चलो भाइयों मुझे सपना पूरा करना है, बहुत काम है, गुड नाइट। और भाई मैं आज से इंग्लिश में बात करने की सोच रहा हूँ। नित्तू मिस को इम्प्रेस करने के लिए। लाली जितना सोचना है सोच ले, सोचने के पैसे नहीं लगते। मैं तो हर बार सोचता हूँ एग्जाम पास कर लूंगा पर आज तक पास ही नहीं कर पाया। अरे भाई इस बार हो जाऊंगा, माँ ने बाबा बालेश्वर तेल सर पे लगाया, देख मेरे बाल कैसे चमक रहे हैं। ओए बाल चमकने से कैसे पास हो जाएगा? ओई ओई ओई, पहले बाल चमकेंगे फिर दिमाग चमकेगा। बाबा बालेश्वर की जय हो। और चूचे। और भाई इस तेल से नींद भी अच्छी आती है, कल रात में क्या सोया और क्या सपना देखा। सपना? ओए चूचे बता तेरा शाइनी सपना। ओए ओए भाई मैंने देखा एक भयानक चतुर्मुर्ग तुम्हारे पीछे पड़ा है, तुम धपक धुपक तोड़े जा रहे हो, इससे पहले कि वो तुम्हें रोज खाए तुम्हारा फेवरेट हीरो यानी कि मैं सुपर हीरो चूचा वहाँ आता हूँ और चतुर्मुर्ग पे तूफानी हवा फूंकता हूँ, उसके सारे पर उड़ जाते हैं और मुझसे डर के वो अपने घोंसले में छिप जाता है। मैं भी जंप करता हूँ सीधा उसके घोंसले में अंडों के बीच और मैं भी अंडे जैसा हो जाता हूँ। ओ तेरी हनी आज तेरा लकी डे है, तू पहली बार सपने के दी एंड में नहीं पिटा। ओ हाँ यार चल बिठाने दे। शतुरमुर्ग और उसके अंडे, शतुरमुर्ग के पंख उड़ गए और तू भी अंडे जैसा हो गया, मतलब ओ भाई क्या हुआ पूरा तो बिठाइयो। ओए रहने दे चूचे आगे नहीं बता सकता। भाई क्या मैं फेल होने वाला हूँ, एग्जाम में अंडे आने वाले हैं। ओए चूचे एग्जाम में अंडे नहीं कद्दू आते हैं। ओए भाई तू कंफ्यूज मत कर, क्या मैं पास होने वाला हूँ या फेल? वो क्या है ना चूचे, आज तू पास या फेल नहीं गंजा होने वाला है। गंजा? बाल हो जाएंगे बाल और चूचा बयाल। नहीं हो सकता, हमने क्या देखी झूठ है। ओ जैसे
से बिना चॉकलेट के वॉफल नहीं हो सकता। चूचे, तेरा सपना कभी झूठा नहीं हो सकता। अब तेरी बाल की फसल को गंजेपन के ट्रैक्टर से कोई भी नहीं बचा सकता।